हेलो बच्चों, इस वीडियो में भी एंड में आपको बाकी वीडियोस की तरह एक अच्छा सा क्वेश्चन मिलेगा। आप उसको सॉल्व कीजिए, कोशिश कीजिए उसका आंसर क्या आता है ये बताने का, ठीक है? तो चलिए, बाकी लास्ट लेक्चर तक मैंने आपको ट्रिगोनोमेट्री अच्छे से बताया था, आपको ट्रिगोनोमेट्री अच्छे से समझ में आ गया होगा। और कुछ ऊपर के हायर क्लासेस के लिए भी ट्रिगोनोमेट्री के वीडियोज़ डाले हैं मैंने कुछ, आप वहाँ से भी देख के बहुत कुछ आगे की चीज़ें सीख सकते हो। जिसको इंटरेस्ट है उसे सीखना चाहिए, अगर अभी सीख लोगे तो आगे के जब आगे की कक्षा में जाओगे तो आपको उतना प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा आपको, क्योंकि पहले से पता होगा। और ये चीज़ें अच्छी होती है, एक दो क्लास आगे की चीज़ें पढ़ना बहुत काम आता है बाद में, ठीक है? तो अच्छा रहेगा आप लोग वो उन वीडियोज़ को देखो और सीखो कि आगे के क्लासेस की ट्रिगोनोमेट्री कैसी होती है, ठीक है? तो चलिए आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है मैं आपको बताता हूँ। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फिलहाल हम लोग बहुत बेसिक पढ़ेंगे, बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, और बाद में जाके मीन्स अगेन इन 11th स्टैंडर्ड, आपको पूरे 11th का आप समझो 40% जो पोर्शन होगा वो पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे बेस्ड होगा। जैसे कि इस पे बेस्ड पहला चैप्टर होगा स्ट्रेट लाइन, बहुत ही गहन अध्ययन करेंगे हम लोग स्ट्रेट लाइन के बारे में, जो अभी आपको दूर दूर तक कोई खबर नहीं है उसके बारे में, तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। और उसके बाद सर्कल होगा, जो सर्कल आपने 9th में पढ़ा होगा या 10th में पढ़ोगे उससे बिल्कुल ही अलग सा सर्कल होगा, अलग ही तरीके से वो सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। पैराबोला एक अलग चैप्टर सा आएगा, जो आपने क्वाड्रेटिक में देखा था, मैंने आपको बताया था कि पैराबोला होता है एक क्वाड्रेटिक का इक्वेशन को जो अगर ग्राफिकल देखते हैं तो पैराबोला का भी अलग से अध्ययन करेंगे। एलिप्स होगा, उसी तरह से एक और होता है फिगर, हाइपरबोला होगा। तो देखो कितने सारे चैप्टर्स बोल दिए मैंने, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, ये सब चीज़ें टोटली डिपेंड करता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसा है उस पर वो मैटर करता है कि वो चैप्टर आपको कितने अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है? तो इसीलिए ये चैप्टर को अभी से ही अच्छे से समझेंगे, और कुछ चीज़ें बेसिक जो मैं भी बताऊंगा आपको वो चीज़ें आपको पता भी होंगी पहले से कि क्या होता है। जैसे कि पहला चीज़ होता है कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स या फिर कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है। जैसे ये दो आपने बहुत बार देखा होगा कि ऐसा कुछ दिखता है, दिस इज़ एक्स बोला होगा आपने, इसको एक्स डैश बोलते हैं, एक्स डैश मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस, और इधर वाला राइट में जो था वो क्या था, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस, और वैल्यूज़ इधर ज़ीरो होता था। एक्स एक्सिस पे भी इधर नेगेटिव में -1, -2, -3, -4, -∞ तक होता था, पॉजिटिव में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन्फिनिटी तक होता था। मतलब जितना दुनिया के नंबर हैं वो एक्स एक्सिस पे भी है, वाई एक्सिस पे भी है, ठीक है? तो इस तरह से कोऑर्डिनेट एक्सिस को, और 9th में भी आपने थोड़ा बहुत देखा होगा कि 9th में हम लोग बेसिक तो देख ही लेते हैं क्या क्या होता है। तो दो बेसिकली परपेंडिकुलर लाइंस ले लेते हैं, एक्स ओ एक्स डैश जो आपको दिख रहा है हॉरिजॉन्टल, मतलब समझ रहे हैं ना, ये वाला, ये हॉरिजॉन्टल इसको कहा जाता है, इसको वर्टिकल कहा जाता है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो लाइंस ले लेते हैं, और बेसिकली दोनों लाइंस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है, दोनों लाइंस एक दूसरे पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो उसे ही एक को हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, दूसरे को हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। थोड़ा सा टेढ़ा था तो मैंने उसको सीधा कर दिया, ठीक है? तो मैं बोलूँगा कि एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश, है ना, ये दोनों जो होता है ये दो परपेंडिकुलर लाइन है जो एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एक्स ओ एक्स डैश को एक्स एक्सिस बोला जाता है और वाई ओ वाई डैश को वाई एक्सिस बोला जाता है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया, और जो पॉइंट ओ पे वो कट हो रहा है वो पॉइंट ओ को क्या बोला जाता है, इसे बोलते हैं हम लोग ओरिजिन, इसे क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है? एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश, समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं, अब इन दोनों को साथ में अगर बोला जाए, कभी एक टर्म आपको देखने को मिल सकता है रेक्टेंगुलर एक्सिस, क्या देखने को मिल सकता है, रेक्टेंगुलर एक्सिस। अब ये रेक्टेंगुलर एक्सिस क्या होता है, तो यही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को अगर साथ में बोला जाए, जब भी कोई आपको बोलेगा कि बताओ रेक्टेंगुलर एक्सिस क्या होता है, तो आप बोल सकते हो कि दोनों एक्सिस रेक्टेंगुलर एक्सिस होता है ना।
जैसे कि बहुत चीज़ें होती है, जैसे कि किसी एक नंबर को अकेला बोलेंगे तो एक्स एक्सिस, मतलब एक पहला जो एक्सिस है उसे अकेला बोलेंगे तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस की सिर्फ बात होगी तो वाई एक्सिस, और दोनों को साथ में बोलने का कहीं ज़रूरत होगा तो क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है रेक्टेंगुलर एक्सिस। आप समझ गए होंगे रेक्टेंगुलर एक्सिस के बारे में क्या होता है। अब किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट के बारे में बात करते हैं कि किसी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है। अब जैसे उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे रेक्टेंगुलर एक्सिस के थ्रू, कि ये एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश की बात करें, तो एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश में देखें हम लोग तो क्या होता है। दोनों में आपको किसी पॉइंट को अगर देखा जाए तो ये पॉइंट 1 2 जो बचपन से आप नंबर लाइन में देखते हो ये बिल्कुल वैसा ही होता है। 6 इधर नेगेटिव साइड में देखोगे आप तो क्या होता है, -1 -2 -3 ऐसे, और पॉजिटिव में ऊपर वापस से 1 2 3 और नीचे -1 -2 -3 सो ऑन, जितने की ज़रूरत होगी हम लोग उस हिसाब से उसको लेंगे। अब किसी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट मतलब पहले हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं और बाद में वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स होते हैं। या फिर ज्यादा मैथ्स के टर्म में आप जाना चाहें तो एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एब्सिसा। और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोला जाता है। वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट बोलते हैं। अब ये एब्सिसा और ऑर्डिनेट होता क्या है? तो एब्सिसा होता है, अब जैसे किसी भी पॉइंट की, ये पॉइंट की बात करें तो एब्सिसा का मतलब होता है कि ये पॉइंट एक्स एक्सिस में कितना दूर है। एक्स एक्सिस में कितना दूर है मतलब देखो, ये पॉइंट तक पहुंचने के लिए हम लोग पहले चीज यहां पे उल्टा सीधा ऐसे 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 मीन्स ये डायरेक्शन में कभी मूवमेंट नहीं करेंगे। किस डायरेक्शन में फिलहाल मूवमेंट करेंगे? या तो ऊपर नीचे या दाएं बाएं, सिर्फ यही मूवमेंट होगा। तो यहां पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, मीन्स हर चीज, हर एक पॉइंट तक पहुंचने के लिए स्टार्ट हम लोग ओरिजिन से ही करेंगे। तो क्योंकि अपने को सिर्फ सी ऊपर नीचे या दाएं बाएं पता है तो ये पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो यहां पहुंचने के लिए या तो आप पहले ऐसे जाओगे, 3 तक जाना पड़ेगा और 3 से ऐसे ऊपर चले जाओगे, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती थी कि आप ओ से ऐसे 2 तक चले जाओ और 2 से ऐसे चले जाओ। तो दोनों ही केस में आप ये देखोगे कि एक्स में कितना दूर गए हैं, मीन्स एक्स एक्सिस में कितना दूर जाना पड़ा है और वाई एक्सिस में कितना दूर जाना पड़ा है। तो एक्स एक्सिस में जितना दूर जाना पड़ रहा है उसे ही एक्स कोऑर्डिनेट बोलेंगे या फिर एब्सिसा बोलेंगे, और वाई एक्सिस में जितना दूर जाना पड़ रहा है उसे हम लोग वाई कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो ध्यान से, तो इन दोनों का लेंथ जो है, ये और ये दोनों का लेंथ तो सेम होगा ना, क्योंकि हर जगह एंगल क्या है, 90 डिग्री, और ये क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, तो अपोजिट के साइड्स का लेंथ क्या होने वाला है, इक्वल होने वाला है। उसी प्रकार देखा जाए तो ये दोनों का लेंथ भी क्या होगा, ये दोनों का लेंथ भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये चीज़ आपको ख्याल में रहना चाहिए। तो ये पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट बोलना हो तो आप खुद पहले, अब ऐसा हमेशा से माना गया है कि पहले हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट ही लिखते हैं बाद में वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो ये पॉइंट का अब आराम से आप बता सकते हो कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है। तो बताओ ये पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक्स में कितना जाना पड़ा, 3। तो 3 इसका एक्स कोऑर्डिनेट या फिर उसे ही एब्सिसा बोला जाता है, तो एब्सिसा उसका वो हो गया। तो इस पॉइंट का, ये पर्टिकुलर पॉइंट जिसका नाम मैं 3 बोलूं, तो 3 का एब्सिसा क्या हो गया, 3। और ऑर्डिनेट क्या हुआ, ऑर्डिनेट हो गया वाई एक्सिस में कितना जाना पड़ा, तो बताओ वाई एक्सिस में कितना जाना पड़ा, 2 दिख रहा है ना, तो 2। तो अब ये पॉइंट पी के बारे में आपको पूछा जाए कि इसका एब्सिसा क्या है, तो क्या बोलोगे आप, 3। उसका ऑर्डिनेट क्या है, तो क्या बोलोगे, 2। या फिर ये पूछा जा सकता है कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है पॉइंट पी का, तो 3। वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 2। याद रखिए पहले एक्स कोऑर्डिनेट बाद में वाई कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। किसी के मन में सवाल आ रहा है कि ऐसा क्यों सर, पहले वाई कोऑर्डिनेट क्यों नहीं, तो कहीं से शुरुआत करना था तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट को रख दिया है ना। ये उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया कि कोई आपसे पूछा कि आपका नाम, किसी का नाम राम है तो उसका नाम राम क्यों है सर, उसका नाम श्याम क्यों नहीं है, तो उसका स्टार्टिंग से ही नाम रख दिया गया ना राम। वही बात यहाँ पे कि स्टार्टिंग से रख दिया गया कि हाँ स्टार्टिंग में एक्स एक्सिस और बाद में वाई एक्सिस, सॉरी स्टार्ट में एक्स कोऑर्डिनेट बाद में वाई कोऑर्डिनेट, स्टार्ट कुछ कहीं से स्टार्ट करना था तो ऐसे स्टार्ट किया गया। ठीक है,
समझ गए होंगे आप, आगे बढ़ते हैं। अब देखो कि यहां पे जो रेक्टेंगुलर एक्सिस की बात कर रहे थे हम लोग, तो रेक्टेंगुलर एक्सिस में क्या क्या दिख रहा है। अब रेक्टेंगुलर एक्सिस बेसिकली आप ये समझो कि इधर भी बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, कहीं ख़त्म नहीं होगा, पूरा बहुत आगे जहाँ तक हो सकता है पॉसिबल वहाँ तक, और यहाँ तक भी जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है वहाँ तक, ऊपर भी जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है वहाँ तक, नीचे भी जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है वहाँ तक ये फैलेगा। तो आप समझो अगर ध्यान से देखा जाए तो जहाँ भी हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं वो पूरा जो एक रीजन होगा, एक प्लेन होगा ना, एक सतह होगा ना, तो उस पूरे सतह को चार पार्ट में बांट दिया जाता है ये दो लाइन परपेंडिकुलर लाइन क्या यूज करके। पूरे वो जो एरिया है उसको कितने पार्ट में बांट दिया, चार पार्ट में बांट दिया। तो वो चारों पार्ट क्या क्या होता है, पहले को फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरे को सेकंड क्वाड्रेंट, तीसरे को थर्ड क्वाड्रेंट और चौथे को फोर्थ क्वाड्रेंट बोला जाता है। ये कैसे बड़ा, ऐसा नहीं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है तो सेकंड क्वाड्रेंट ही है, नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट ही है, नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट ही है, बिल्कुल नहीं। सीरियल जैसे मैंने किया है कि पहले फर्स्ट जिसको मैंने स्टार्टिंग में बताया वही फर्स्ट रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट ये वाला रहेगा, थर्ड ये वाला रहेगा और फोर्थ ये वाला ही रहेगा। आपके मन में आता है ऐसा क्यों सर, तो वही सेम रीज़न इसका भी है कि आपका नाम राम क्यों है, वही कारण इसका भी है कि स्टार्ट कहीं से करना था तो यहाँ से स्टार्ट कर दिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आप यहाँ खुद देख सकते हो कि ये नंबर्स अगर 1, 2, 3, 4 था, ये नंबर -1, -2, -3, -4 था, ये नंबर 1, 2, 3, 4 था और ये नंबर ये इधर -1, -2, -3, -4 था। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करो, किसी भी पॉइंट पे जाने के लिए एक्स में प्लस की तरफ ही जाना पड़ेगा, वाई में भी प्लस की तरफ ही जाना पड़ेगा, है ना। ये समझने के लिए आप ये समझो कि दाएं बाएं में अगर राइट साइड जाएंगे तो ये प्लस हो गया, लेफ्ट साइड जाएंगे तो ये माइनस हो गया, कहाँ से, ओरिजिन से, और ओरिजिन से ऊपर जाएंगे तो क्या हो गया, प्लस हो गया, ओरिजिन से नीचे जाएंगे तो क्या हो गया, माइनस हो गया। अब ये बेसिक चीज़ें हैं, अगर मैं नहीं भी बताऊं तो भी आपको ये सब बातें खुद ही समझ में ऑटोमेटिक आ जानी चाहिए, अगर नहीं आया तो इसलिए मैंने बता भी दिया किसी को, सबको। तो अब ये पॉइंट की बात कर रहे थे हम लोग, तो देखो एक्स एक्सिस में भी आप ध्यान से देखो तो दाईं तरफ ही आना पड़ा है तो क्या हो गया, पॉजिटिव। वाई एक्सिस में क्या जाना पड़ा, ऊपर की तरफ जाना पड़ा, पॉजिटिव। मीन्स आप फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोई भी पॉइंट लो, उसके जो कोऑर्डिनेट्स होने वाले हैं वो दोनों कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, दोनों क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, दोनों क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है, कब, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो आप खुद अपने मन में बोलना कि एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ का क्या होगा, एक्स में देखो यहाँ पर क्या, अब जीरो से कोई भी पॉइंट ले लो, एक्स में तो ओरिजिन से लेफ्ट साइड जाना पड़ा ना तो क्या हो गया, नेगेटिव, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, नेगेटिव होता है। और वाई कोऑर्डिनेट की बात करें तो वहाँ जाने के लिए वाई में क्या जाना पड़ा, ऊपर की तरफ जाना पड़ा, मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव, वाई क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है, समझ रहे हैं आप, क्योंकि वाई के लिए ऊपर जाना पड़ा। अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो आप खुद मन में सोच के बोलो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट का कोई भी पॉइंट लेके देख लो, तो यहाँ जाने के लिए एक्स में क्या ऐसे जाना पड़ेगा ना, मतलब नेगेटिव, लेफ्ट साइड जाना पड़ा। और वाई कोऑर्डिनेट की बात करें तो वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पहुँचने के लिए क्या नीचे आना पड़ा ना, मीन्स ये भी नेगेटिव है कि नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, समझ रहे हैं आप, मैं बहुत आसानी से आपको बता रहा हूँ। अब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा पॉजिटिव। आप बोलोगे क्यों, तो कोई पॉइंट लेके देख लो, यही पॉइंट लेता हूँ मैं, तो यहाँ जाने के लिए एक्स में क्या जाना पड़ा, राइट साइड जाना पड़ा, तो क्या हो गया, पॉजिटिव। और वाई कोऑर्डिनेट की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वाई के लिए नीचे आना पड़ा, वाई के लिए किधर आना पड़ा, नीचे आना पड़ा, तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव। तो ऐसे आपको सारे कोऑर्डिनेट का पता होना चाहिए, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, थर्ड में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई नेगेटिव होता है, और फोर्थ में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, ठीक है, ये आप अच्छे से याद रखिए, कभी मत भूलिए।
या आप चाहो तो मैं ऐसे ही आपको एक टेबल भी बना के दे सकता हूँ जो कि आपको कभी नहीं भूलना है। वो टेबल कैसा दिखेगा, आप ऐसे लिख दो यहाँ पे, ये है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट आप पता होगा क्या, चार जो क्वाड्रेंट था उसकी बात हो रही थी। ये है एक्स कोऑर्डिनेट, ये है वाई कोऑर्डिनेट, और एक और इसमें बना देता हूँ मैं, जिसको बोल देता हूँ पॉइंट कैसा दिखेगा। तो क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट क्या, ऊपर आप देख के सोचो पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, पॉइंट कैसा दिखेगा, पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव, कुछ ऐसा दिखेगा। मीन्स 1.2, 3.5, 7.8 ऐसा कुछ दिखे तो वो क्या होगा, वो पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव ही रहेगा, पॉइंट कैसा दिखेगा, माइनस कॉमा प्लस, मीन्स माइनस टू कॉमा। इसके एग्जाम्पल्स भी मैं लिख देता हूँ इधर, 3.5, 8.2। इतना मैं मेहनत इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि कई लोगों को इन चीज़ों में डाउट रह जाता है और वो लास्ट तक डाउट रह ही जाता है और वो शर्म के मारे पूछ नहीं पाते। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो खास करके इंपॉर्टेंट है कि आप ये चीज़ें देख के आराम से समझ सकते हो क्या रहा है आगे। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो ये -1.2, -3.5, -8.9 मीन्स पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, कुछ ऐसा देखे मीन्स वो क्या हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल्स में लिख देता हूं। अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, पहला भी नेगेटिव दूसरा भी नेगेटिव, पॉइंट कैसा देखेगा, माइनस कॉमा माइनस। अब ये कैसा देखेगा, -2, -3, -3.7, -8.15 मतलब दोनों नेगेटिव हो जाए तो क्या हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट। और फोर्थ की बात करें तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव, ये प्लस कॉमा माइनस दिखेगा। इसके एग्जांपल्स कैसे दिखेंगे, 3.-7, -2.-3.5 पहला तो पॉजिटिव होगा ना, 2.-3.5 है ना। थर्ड और देखना है आपको तो 7.-8.5 कुछ ऐसा है उसका एग्जांपल दिखेगा। ठीक है, तो ये हो गए क्वाड्रेंट्स की कहानी, समझ रहे हैं आप। अब यहाँ पे कई बार एक कुछ स्टेटमेंट्स मैं आपको बोल सकता हूँ जो कि ट्रू है या फॉल्स, आपको वो बताना है। अब सोचिए, जैसे कि पहला मैं बोलता हूँ कि एब्सिसा इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। अब सोचिए इस एक मिनट इसके बारे में कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, एब्सिसा इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। अब कोऑर्डिनेट बना के देखेंगे, ये पॉइंट का एब्सिसा क्या होगा, ये पॉइंट का एब्सिसा होगा ये वाला लेंथ, मींस ये वाला लेंथ है ना, ये एब्सिसा होगा। तो क्या ये यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस लिया था दोनों इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। और ये लेंथ को इक्वली ध्यान से देखो तो ये वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर ही है ना, है कि नहीं, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर लेंथ है तो यही तो एब्सिसा था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है और ये आपको याद भी अब रखना है कि एब्सिसा या फिर एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ पे स्लैश करके डाल देता हूँ, एक्स कोऑर्डिनेट, एब्सिसा या फिर एक्स कोऑर्डिनेट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। ठीक है, स्लैश थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया। और यहीं पे अगर वही, अब ये चीज लिखी दिया है आपको याद रखना है, और यहाँ पे ये भी आपको पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब वो डिस्टेंस यहाँ पे होगा, ये पॉइंट इधर होता तो भी एब्सिसा क्या होगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम द वाई एक्सिस, लेकिन अब ये वाई एक्सिस का जो परपेंडिकुलर आएगा उसमें एक माइनस साइन लगा देंगे। माइनस साइन क्यों लगाएंगे, क्योंकि अब उधर तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो गया ना, है कि नहीं। तो आप चाहो तो वो चीज़ भी मैं लिख सकता हूँ ताकि आप बार बार कभी नोट्स का रिवाइज करो तो आपको दिखते रहे और आप भूलो नहीं। तो मैं यहाँ पे और साथ में लिख सकता हूँ ट्रू, और इसी पे ऐड कर देता हूँ, दैट इज पॉजिटिव टू द राइट ऑफ वाई एक्सिस, है ना, एंड नेगेटिव टू द लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस, नेगेटिव टू द लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस। ठीक है, ये हो जाता है। अब दूसरा पॉइंट ऐसे ही मैं ये आपको दे सकता हूं कि ऑर्डिनेट इज
ऑर्डिनेट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस. तो ये आपको खुद लग गया होगा, बिल्कुल सही है. अब जैसे देखो यहां है ये पॉइंट का जो ऑर्डिनेट, मतलब क्या वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट ना, ये वाला लाइन, या फिर आप उसी को ये वाला लाइन भी समझ सकते हो ना, वाई में कितना दूर गया. तो ये दोनों तो इक्वली होता है. तो इस लाइन को ध्यान से देखो तो ये क्या है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर ही है ना. तो मतलब ये बोल सकता हूं कि किसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो लेंथ होगा उस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस. एक्स कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस का से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है कि नहीं. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सा बात है जो आपको याद रखना है, कभी भूलना नहीं है, ठीक है. एक और ये भी मैं क्या बोलूंगा, ये भी क्या है, ट्रू है बिल्कुल. तो मैं एक तरह से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरह ही लिख देता हूँ, ट्रू फॉल्स क्या लिखना, आप ये पॉइंट्स याद भी रखो, ठीक है. अगला पॉइंट जो है, अगला पॉइंट है कि अगर मान लो कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो उस पॉइंट का अब वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा. अब वाई कोऑर्डिनेट क्या होता था, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो एक्स एक्सिस पर ही वो पॉइंट हो गया, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो. या फिर ये पॉइंट तक पहुंचने के लिए y में कितना चलना पड़ा, कुछ नहीं चलना पड़ा ना. वो पॉइंट तक पहुंचने के लिए सिर्फ x एक्सिस में चलना पड़ा, y में तो कुछ चलना ही नहीं पड़ा, इसलिए y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, जीरो. तो पॉइंट में क्या, ये लिख क्या लिख सकता हूं, एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस इज जीरो. और वैसे ही अब कोई पॉइंट ये y एक्सिस का मैंने लिख दिया पहले, एक्स एक्सिस का, ठीक है, एक्स एक्सिस इज जीरो. एक मिनट, एब्सिसा लिखा है ना, थोड़ा सा उल्टा हो गया ये, वाई ही सही है. और वैसे ही मैं क्या लिखूंगा, ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज जीरो. अब एब्सिसा मतलब क्या, एक्स कोऑर्डिनेट. तो वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा, वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा, तो उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो. और कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो. ठीक है, तो ये मैंने आपको कोऑर्डिनेट जो ज्योमेट्री होता है उसके बारे में आपको बहुत ही बेसिक सा आइडिया दिया है, जो कभी आपको भूलना नहीं है, भूल से भी मत भूलना ये पॉइंट्स, अगर भूल गए तो आपको दिक्कत हो सकती है. ठीक है, अब यहीं पे आपको एक दो और चीजें मैं आपको डेफिनेशन में, उसके बाद हम लोग मेन डिस्टेंस फॉर्मूला या सेक्शन फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे. एक टर्म होता है, आपको अगर बोला जाए इंटरसेप्ट क्या होता है, तो मैं आपको अभी इंटरसेप्ट के बारे में बता देता हूं कि इंटरसेप्ट क्या होता है. अब ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, उस पर मैंने बोला कि एक कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस को यहां कट कर रही है, वाई एक्सिस को यहां कट कर रही है. तो ये यहां पर स्टेटमेंट हम लोग, अगर मान लो ये पॉइंट होता थ्री, यहाँ टू होता, यहाँ वन होता, ये पॉइंट होता वन टू थ्री सॉरी फोर. मतलब कि ये लाइन जो है, अगर ये लाइन बोल मान लो L है, तो L लाइन x एक्सिस को ओरिजिन से थ्री यूनिट डिस्टेंस पे कट कर रही है, और y एक्सिस को ओरिजिन से फोर यूनिट डिस्टेंस पे कट कर रही है. मतलब कि इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट, इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट क्या हो गया, थ्री. एक ओरिजिन से जितने लेंथ पे कट करती है वो हो जाता है एक्स इंटरसेप्ट, और वाई एक्सिस को जितने लेंथ पे कट करती है वो हो जाता है वाई इंटरसेप्ट. ठीक है, ये बात को आप समझिए, एक्स एक्सिस को जितने लेंथ पे कट करती है वो एक्स इंटरसेप्ट, और वाई एक्सिस को जितने लेंथ पे कट करती है वो वाई इंटरसेप्ट. ठीक है, आप समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली ये चीज़ को समझ सकते हैं. ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मैं आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करता हूँ, नेक्स्ट डे मिलते हैं, ओके. और नेक्स्ट डे मैं डिस्टेंस फॉर्मूला से स्टार्ट करूँगा, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी उसके बारे में प्रूव करके भी मैं दिखाऊंगा सारी चीज़ें, उसके बाद देखेंगे हम लोग. ठीक है, तो चलिए अब आज का क्वेश्चन, जो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सब लोग ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, मस्त टाइम दीजिए, आपको जितने टाइम में हो पाए ट्राई कीजिए, कि मैं तो करके ही रहूँगा, है ना. तो वो हो जाएगा इफ
ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स सच दैट ए बाय थ्री इक्वल्स टू ए प्लस बी बाय फोर इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी बाय फाइव इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाय सिक्स देन फाइंड. अब देख के डरिए मत, जो सोच सकते हैं आप वो सोचिए, और बाकी नहीं होता तो कोई बात नहीं, मैं सारे क्वेश्चन को रखा हूँ अपने पास, मैं आपको जल्दी ही सबका सोल्यूशन बताऊंगा. फाइंड दिस, इसका वैल्यू क्या होगा. ठीक है, सोचिए आप जितना तक दिमाग लगा सकते हैं लगाइए, और उसके बाद फिर आंसर लिखने का ट्राई कीजिए. तो चलिए आज के लिए इतना ही, और मैं नेक्स्ट डे मिलता हूँ. थैंक यू सो मच, बाय बाय.